बुलंदशहर से एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने युवती को झांसा देकर खुद को शिवम अग्रवाल बताकर उसके साथ प्रेम संबंध बनाए, फिर रेस्टोरेंट ले जाकर खाने में नशीला पदार्थ मिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया, साथ ही अश्लील वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल करता रहा। जनवरी 2016 में युवती को गाजियाबाद ले जाकर युवती से धोखे से शादी के सर्टिफिकेट पर साइन करवा लिए। युवती को शादी के बाद पता चला कि वह शिवम नहीं बल्कि महताब है। शादी करने वाला मुस्लिम युवक है। अब पीड़िता का आरोप है कि महताब के दोस्तों व परिजनों में भी उसके साथ दुष्कर्म किया है। पीड़िता ने पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का कहना है कि आरोपी महताब ने कहा है कि उसे पाकिस्तान से ट्रेनिंग मिलती है और वहीं से फंडिंग भी मिलती है। पीड़िता ने अपनी जान को भी युवक से खतरा बताया है, साथ ही पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। पुलिस के मुताबिक 2016 में दोनों ने सहमति से शादी की। 3.5 साल की बच्ची भी है। पिछले एक महीने से आर्थिक समस्याओं को लेकर दोनों के बीच विवाद चल रहा है। मामले की गहनता से जांच की जा रही है। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले पर विधिक कार्यवाही की जाएगी। जी, क्या कुछ घटनाक्रम हुआ? वो मेरे से कॉलेज में मिला। कॉलेज में मिलने के बाद उसने अपना नाम शिवम बताया, मैं शिवम अग्रवाल हूँ। उसने धीरे धीरे मुझसे मुलाकात की। वो मुझे फिर एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ ले जाने के बाद बोला कि क्या कहते हैं, कुछ खिलाते हैं। फिर खिलाने के बाद उसने नशीला पदार्थ खिलाकर मुझे रूम में ले गया। वहाँ मेरी वीडियो बनाई और वहाँ मेरे साथ गलत काम करके, और उसके बाद बारी बारी से मेरे साथ गलत काम करने लगा। फिर मुझे ब्लैकमेल भी करने लगा कि मेरे साथ ऐसा करना ही है। फिर मेरे साथ फिर हर बार ऐसे ही करने लगा। फिर इसके बाद मुझे गाजियाबाद ले गया। वहाँ मेरे साथ गलत धोखेधड़ी से मुझसे साइन करा लिए सर्टिफिकेट पे। वहाँ मुझे पता चला इसका नाम महताब है, ये एक मुसलमान है। कौन से सर्टिफिकेट पे साइन करा? बहना पता नहीं कौन सा था, वो मुसलमान की शादी होती है। उसके बाद फिर इसने मुझे वहाँ से ही नोएडा ले गया। कुछ महीने वहाँ मेरे साथ रहा। फिर इसके बाद मुझे अपने घर लेकर आ गया। घर वालों ने मेरे साथ बहुत अत्याचार करे। इसकी माँ ने, इसकी बहन ने, इसके भैयाओं ने मेरे साथ गंदे गंदे काम करे। और फिर इसके बाद मैं छुप कर यहाँ गंगानगर रहने लगी हूँ, तो यहाँ पे भी आके मेरे साथ गंदी हरकत करता है। और यहाँ अपने दोस्तों को लाकर उनकी वीडियो बनाकर उन्हें ब्लैकमेल करता है। कब हुई थी शादी आपकी मेहताब के साथ? 21 जनवरी 2016। उसके बाद कितने समय आप दोनों साथ रहे? मैं लॉकडाउन के बाद से इधर अपने मम्मी के पास आने आ गई थी, उनके चंगुल से छूटकर। पुलिस से शिकायत की आपने? जी, मैंने शिकायत करी थी, कोई सुनवाई नहीं हुई मेरी। अब क्या चाहते हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ सर, कि उन्हें सजा मिले, उन्हें फांसी हो। सर मुझे मेरी जान का खतरा भी है, मैं चाहती हूँ पुलिस वाले मुझे सुरक्षा कवच दें। ये मुझे कभी भी मार सकता है, ये वहां मेरे फ्लैट पर भी आता है। तो युवती ने इस तरह का एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है, पर हमारी जांच में ये प्रकाश में आया है कि इस युवती ने और जिस पे उसने आरोप लगाया, उन दोनों ने आपसी सहमति से सन 2016 में शादी की थी। इस शादी से उनके 3.5 साल की बच्ची भी है, और पिछले एक महीने से इन दोनों में आर्थिक समस्या को लेकर थोड़ा विवाद चल रहा था। उसी विवाद के चलते लड़की ने ये कतिपय आरोप लगाए हैं। इस मामले की गहनता से जांच की जा रही है और जो भी विधिक कार्रवाई होगी वो सुनिश्चित की जाएगी। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।